Yo, what's up YouTube? Welcome back to Dimples Kitchen. और आज मैं इंट्रो शुरू कर रहा हूँ क्योंकि तीन दिन बीमार पड़ गई थी मम्मी. गोवा से आई मम्मी, गर्म मौसम से सीधा ठंडे मौसम में आके बीमार हो गई. नाजुक कोमल कली है ना मम्मी, वो देखते कैसे छुप गया. मेरे को नहीं कंटेंट देना, घूंघट तो उतारो. नहीं मम्मी पापा घूंघट पहन के बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को ये लग रहा है कि तीन दिन जो मैं बेड पे पड़ी थी ना, आज एक दिन पूरी सेवा करी है. मैं बता रहा हूँ पापा वैसे मेहनत नहीं करते, पापा ने पूरी सेवा करी है मम्मी की. मतलब तीन दिन ऐसे खाना पीना दवाई फलाना सब, मतलब इसे कहते ना दवाई फुल. हमें भी ऐसे ना दूर रखा था, नहीं तुम नहीं जाओगे मम्मी के पास, मम्मी को बीमार कहीं को देखो डर लगता है कोविड ना हो जाए ये फलाना ढिमका ना. अब मम्मी फुल फिट हो ना, फुल फिट हो एक बार तो, फुल फिट हो ना तो बॉडी दिखाओ, ऐसे बॉडी दिखाओ, ऐसे वो दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे. ये देखो ये यहाँ पर सोता हुआ, ये वीडियो डाल के आया पूरी रात वीडियो एडिट करके अब सोने लगा हूँ, कह रहे हैं हर वक्त सोता रहता है. दुख का खत्म होता है. एक दिन मैं और लेट जाती तो कम से कम मेरे को काम नहीं करना. मम्मी को मैं तुम्हें जानू, मैं तुम्हें बता दूँ क्या सीन है. आज है लॉकडाउन दिल्ली में, सैटरडे है. और हाँ मेरे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, वो मैं कटवाने नहीं वाला, मैं बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है. मम्मी तीन दिन बाद उठी बेड से और सबसे पहली चीज पता क्या करी मम्मी ने, बर्तन धोना स्टार्ट करा. मैंने कहा मम्मी रुक जाओ दो दिन, आंटी आएंगी कर देंगी, पर नहीं मम्मी इज लाइक सफाई ऑन पॉइंट, मुझे पूरी सफाई चाहिए. बट 2022 शुरू हुआ और 2020 मतलब फिर से वापसी आ रहा है. वापसी आ गया और क्या, मैं तो कह रही हूँ इससे अच्छा होता आज भी मैं लेटी रहती, कम से कम मेरे को छुट्टी मिल जाती. अच्छे भले काम कर रहे थे, जॉब आराम से लेट गए. 2019 के बाद साल बढ़ने बंद हो चुके हैं है ना, वहीं अटक गए हैं. मेरी उम्र तो 16 ही रह गई. अबे साले कल ही तो आया है. कल होना था. और आज मम्मी ने बनाया है गाजर का हलवा. एक तो बारिश, ऊपर से छोले भटूरे, सर्दी का मौसम. आप समझ रहे हो ये यहाँ क्या जा रहा है. तीन दिन इतने कमजोरी में अजीब सा खाना खाया और मम्मी उठते ही मैं नीचे आया, छोले भटूरे गाजर का हलवा. अभी मम्मी ब्रेड पकौड़े भी बनाएंगी. आगे पूछते मम्मी फिट हो, मैंने कहा आज फिट हूँ इसी खुशी में, छोले भटूरे साथ में गाजर का हलवा. कल जब बीमार थी ना तो ऐसे पड़ी रही थी, हाय मुझे बचा लो. व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस डाल रही है मुझे जल्दी ठीक करो, मुझे बचा लो. और आज मैंने चाहे तो छोले भटूरे बनाए. अबे वो देख, दो घंटे लगा के बर्तन साफ करे है तो चलो फिर अभी मम्मी से कह के बनवा ले पकोड़े. नहीं भाई दिखा दे फिर एक बार, एप्स दिखा दे, दिखा दिखाता रहूं. शर्ट ऊपर कर, दिखाता रहूं शर्ट ऊपर कर. ये शर्ट के 150 रुपया देगा. ऐसे फैमिली पैक जो है वो शर्ट में दिखते. लो मम्मी अब आप सफाई कर लो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ. ऐसा मजाक करूं मैं कर नहीं पाऊंगा. कर लेता हूँ, कर देता हूँ. चलो नो हेल्प कर. क्या हेलो. अच्छा भला सो रहा था, काम ना कर तो अब कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है डोटा खेलने. सो जा यार थोड़ी देर, हमें अच्छा लगता तो कभी तो. तीन दिन बाद तो अब नीचे आया. अभी मैं सो रहा था तो सोते ही रहते हैं, सोते ही रहता है. अब उठ गया हूँ तो सो जा भाई, सो जा भाई. गेम खेलता रहता है. मैंने सुबह चद्दर नहीं बिछाई, सैनिटाइज करा कि नोनू ने वहाँ आके लेटना है और 5 मिनट बाद उठ के जा रहा है. बताओ यार इतनी देर सोना था बस. उसका हलवा पूरा बन चुका है. अब नाम कर रहे हैं मलन साहब, कह रहे हैं मैंने बनाया. ये गाजर का हलवा मैंने बनाया है, अपना नाम कर रहा हूँ. ये देखो पंजाबी गाने सुन रहे और प्रोनाउंसिएशन किससे करा रहे, मम्मी से. तो मतलब कुछ समझ जाते वो इतनी टफ पंजाबी है. मेरे डब पत्ती बोर ते खथले काली कार है. मतलब कल से सुनी जा रहे गाना, इतना मस्त गाना है. ये 25 तारीख को यहाँ हमने क्रिसमस ट्री सजाया था और ये अभी तक ऐसे का ऐसे ही पड़ा है. आज मैं आई हूँ रूम में, इस लड़के का पार्सल आया था और पार्सल आया था लेकिन OTP नहीं बताया इसने. मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठाया. मेरे को ऊपर आना पड़ा तो मैंने देखा कि क्रिसमस ट्री अभी तक सजा पड़ा है, तो सोचा इसको भी हटा दें. अब
क्रिसमस ट्री का तो टाइम निकल गया। ये लड़का 4 बजे जब मैं ऊपर गई हूँ मेरे को कहता है कॉफी बना दो। मैंने पूछा आ रहा है नीचे, कह रहा हाँ आ जाता हूँ। मैंने बोला और... था ऊपर कॉफी ला देना। जी नहीं, तूने मेरे को बोला मैं आ जाता हूँ नीचे, मैं वेट कर रही हूँ, कॉफी पड़ी सड़ गई, अब सच में सूप का टाइम हो गया। और ये हैरी पॉटर की पूरी सीरीज आई, मैं कल से 4 एपिसोड देख चुका हूँ। मैं पता क्या सोच रहा था कि हमने मूवीज तो सारी देख ली, एक बार बुक भी पढ़नी चाहिए क्योंकि बुक की डिस्क्रिप्शन बहुत अलग होती है। हाँ तो देख ले, तूने तो पढ़ेगा नहीं, तूने विश मांगी और पूरी होगी। देख तू तो पढ़ेगा नहीं ना। मैं तो बुक्स रीड नहीं कर पाता, लेकिन ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है, मैं पूरी पढ़ सकता हूँ। दिखा तू कितनी बुक्स है, पूरी सीरीज है ये हैरी पॉटर की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, कोई नहीं। पार्ट 2 में आए थे ना। अच्छा अबे तो मूवी तो एक है, बुक तो एक है, साथ तो ही तो है। और बताओ, अभी मैं हैरी पॉटर देख रहा हूँ और 4th गॉब्लेट ऑफ फायर पे हूँ, फिर से रीस्टार्ट करी है मैंने 10वीं बार। और भाई साहब आपका सूप पड़ा हुआ है। हेलो गाइस, जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख चल रहा है मेरे, नहीं इन चमन प्राश कौन खिलाता है भाई। मैं चमन प्राश वैसे खाता हूँ, आई लाइक इट, बट ये क्यों, किस लिए मिल रहा है? ऐसे आप भी चमन प्राश खाओ, चमन बन जाओ। मैं गजरेला बनाया है, न्यूट्रेला क्यों नहीं बनाया? न्यूट्रेला क्योंकि मार्केट जाना पड़ता है न्यूट्रेला लेने। गाजर घर पे पड़ी थी इसलिए गजरेला बन गया। गाजर घर पे अपने आप पड़ी हुई थी, वो भी मार्केट से लाई होगे? नहीं, हमने गाजर लगाई हुई है अपने गार्डन में। अच्छा, ये अपने ही गार्डन की गाजर है। सर्दी का मौसम क्या आ गया, सब लोग अपने अपने बेड में खाना खाते हैं, बताओ कोई भी डाइनिंग टेबल पे खा के राजी नहीं है, अपने अपने रूम में अलग अलग। ये एक महान इंसान है जो खाना खाते हुए भी फोन नहीं छोड़ता। ये क्या देख रहा है, डोटा की वीडियोस, बताओ तो? मतलब कम से कम खाना तो खा ले ढंग से, फोन आप छोड़ तो, के आप भी तो खाना खाते खाते अपनी खुद की वीडियोस देखते हो। एक इधर ये है इंसान, हैरी पॉटर देखने दो यार। ये देखो, ये हर टाइम हैरी पॉटर ही देखता रहता है। मैंने वापसी रिस्टार्ट कर, खाना खा रहा है और हैरी पॉटर देख रहा है। खाना तो ढंग से खा ले, बंद कर दो लाइट, हैरी पॉटर नहीं। नोट बांटने वाले खुद आज नोट मांग रहे हैं। दे दो मेरे कुछ पैसे। अरे भैया गोवा से आए हैं, सब कुछ खर्च हो चुका है, अभी कहीं खर्चे इकट्ठे तो करने थे, कल परसों इकट्ठे करेंगे। 100-200 रुपए दे दो फालतू भगवान के नाम। हाँ इतने की गुंजाइश है आजकल। तो खाना पीना हमारा हो गया और अभिषेक और मलन साहब की जो बहसबाजी हो रही थी वो भी खत्म हो गई। वो अपने कमरे में चला गया, पैसे मांगता मांगता कहता इन्ना तिलां च तेल नहीं हैगा, पापा को लो पैसे नहीं कटा सकते, इसलिए वो अपने रूम में चला गया और हम भी लगे हैं सोने। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय बाय।